गुड मॉर्निंग बेटा, हम वेक्टर कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर? सबसे पहली बात बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है? ये कहता है, जैसे हम रिजल्ट बोलते हैं ना कि कोई भी काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकला, वैसे ही कहता है अगर हम दो या दो से ज़्यादा वैक्टर्स हों हमारे पास और उनसे एक ऐसा वैक्टर बना लें जिसका अकेले का इफेक्ट उन दोनों इंडिविजुअल्स के इफेक्ट के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम उस फैक्टर को क्या बोलेंगे, उनका रिजल्टेंट वेक्टर। एग्जांपल दे दो, सपोज करो हमारे पास ये रबर है भाई, ठीक है। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट हुई है, फिर से फोर्स अप्लाई की सेकंड डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ये क्या आया हमारे पास, दो फोर्सेज का समित डिस्प्लेसमेंट। अगर इसके इक्वल एक सिंगल फोर्स इन दोनों के इफेक्ट के इक्वल डिस्प्लेसमेंट दे देता तो ये फोर्स उन दोनों के सम के क्या है हमारा, इक्वल है, तो उनका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। क्या कहा, कहना चाहे मैंने रिजल्टेंट वेक्टर से, रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से ज़्यादा का एक सिंगल वेक्टर होता है जिसका इफेक्ट, अकेले का इफेक्ट उन दोनों के इफेक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। द रिजल्टेंट वेक्टर of two or more vectors is defined as that single vector which produces the same effect as is produced by individual वेक्टर्स टुगेदर। क्या कहना चाह रहा है ये, कि रिजल्टेंट वेक्टर दो या दो से ज्यादा का वो वेक्टर है जिसका अकेले का इफेक्ट है, जो अकेला वेक्टर प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, अकेला वेक्टर सेम इफेक्ट देगा एज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स तो टुगेदर, जैसे वो इंडिविजुअल वेक्टर्स दोनों एक साथ दे रहे हो। अगर तुम्हें सिंपली कह, जब एक नंबर है 3, दूसरा नंबर है 4, तो हम कहें कि एक के पास चीज़ें हैं 3, उसी के पास 4 और ऑब्जेक्ट आ गए। सपोज करो एक बच्चे के पास 4, सिंपली मैंने वेक्टर नहीं ले रही हूँ, ये जैसे क्वांटिटी के टर्म में बता रही हूँ। सपोज करो किसी बच्चे के पास 4 पेन है, उसके पास 2 पेन और आ गए, ठीक है, तो उसके पास टोटल पेन कितने हो गए, 6 हैं। और एक बार तो वो 4 लेके आए, फिर वो 2 लेके आए, इसकी बजाय वो एक साथ ही 6 ले आता, 6 ले आता, तो उसके दोनों इंडिविजुअल लाए गए का सम उस एक टाइम में लाए गए कि क्या इक्वल है ना। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या बोला है, रिजल्टेंट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका इफेक्ट, दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट, जिसका इफेक्ट सेम होगा एज प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स, जैसे वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहे थे उसके इक्वल। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये बताया था, सपोज करो कोई भी बॉडी है, इस पे एफ फोर्स अप्लाई किया और बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद फिर से एफ फोर्स अप्लाई किया और यहाँ से यहाँ आ गई, तो फर्स्ट टाइम फोर्स लगा F1, सेकेंड टाइम फोर्स कितना लगाया F2, ये क्या है, थर्ड टाइम उसने क्या किया, इनिशियल पॉइंट पे रखी और एक बार में इतना फोर्स लगा दिया वो यहाँ से यहाँ चले गई। क्लियर बेटा? तो जो इफेक्ट इस अकेले का है वो इनके इफेक्ट के सम के क्या इक्वल है, तो हम इस वेक्टर को इन दोनों का क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या कह सकते हैं इन दोनों का, इसको रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या होता है आपका, रिजल्टेंट वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, एक पॉइंट समझाऊंगी पहले यहाँ से, कि वेक्टर एडिशन इज नॉट पॉसिबल बाय सिंगल लॉ ऑफ एल्जेब्रा। हम वेक्टर्स को सीधा एल्जेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर्स को दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो उनको ऐड कैसे करेंगे, वेक्टर एडिशन।
यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता रही हूँ कि वेक्टर एडिशन बेटा हमारा सीधा नहीं होता। हम जैसे कोई भी क्वांटिटी है 3, नेक्स्ट क्वांटिटी कितनी 4, टोटल सम कितना हो गया 7। हम इस तरह से वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते देखो बेटा, एक बार लेट्स सपोज करो एक बॉडी थी, ए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके, वो ए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके, एक ए वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके कहाँ पे आ गए, वो ओ से पी पॉइंट पे आ गए। अब इस पे फोर्स लगाया, पी से किस पे चली गई, क्यू पे, कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर गई, बी वेक्टर। क्लियर बेटा? तो क्या टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी? क्या ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी? नहीं। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये होगी ना हमारी रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हमारे ये होगा। तो क्या हम सीधा इनको ऐड करके आ सकता था? नहीं आ सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर्स हमारे सीधे एल्जेब्रिकली ऐड नहीं होते, उनके कुछ स्पेशल रूल्स हैं बेटा, हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे सपोज करो मैंने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, एफ फोर्स, और यहाँ से यहाँ आ गई, फिर से फोर्स लगाया और यहाँ से यहाँ चली गई, ठीक है? तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो दोनों का क्या होगा सम? डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो अब इन दोनों का ये ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे हम, ये होगा हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया आपकी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आर होगी, लेकिन ये आर ए प्लस बी नहीं होगी। अगर ये ए है ये बी है तो आर इज नॉट इक्वल्स टू ए प्लस बी, आर ए प्लस बी नहीं होगा। इनको हम किस तरह से ऐड करेंगे बेटा? एल्जेब्रिकली ऐड ना करके वेक्टर के कुछ स्पेशल नी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वेक्टर एडिशन के कुछ जनरल से रूल हैं बेटा। हमारा फर्स्ट है वेक्टर एडिशन में, फर्स्ट, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, किस तरह से, लाइक दिस। ये हमारे पास क्या वेक्टर ए, ये क्या है अनदर वेक्टर बी, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम। जब भी किसी बॉडी पे लगेंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में उसको लेके जाना चाहेंगे ना। कहते हैं जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है सेम, तो उन दोनों का रिजल्टेंट उनके मैग्नीट्यूड के सम के और सेम डायरेक्शन में क्या करता है, हमारा लाई करता है। जैसे ए प्लस बी का रिजल्टेंट देखूं तो रिजल्टेंट आर वेक्टर होगा, रिजल्टेंट आर यानी कि ए प्लस बी होगा हमारा रिजल्टेंट आर। क्या होगा रिजल्टेंट आर? ए प्लस बी, तो किसके इक्वल होगा, करें इस आर का मैग्नीट्यूड इनके इंडिविजुअल्स मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल, और आर की डायरेक्शन, आर हैज सेम डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी एज द डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन वेक्टर्स, जो उन गिवन वेक्टर्स की दे रखे है उसके सेम होगी। तो क्या कहें हम, आर इन दोनों के मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया हमने सम, ये आ गया हमारा। तो ये क्या है आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर, यानी कि जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारा वेक्टर आर किसके इक्वल रहेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। किसके इक्वल होगा हमारा वेक्टर आर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के क्या होगा, हमारा आर इक्वल होगा। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर। आर के पास क्या क्या होंगी, दो चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर। तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल्स टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर इज सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर, सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। जो गिवन वेक्टर्स की दे रखी है वही रिजल्टेंट की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसमें सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने, जैसे ये आपका वेक्टर है ए, ये अनदर वेक्टर है बी, ये अनदर वेक्टर क्या है बी,
इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, हो गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन जो ए प्लस बी की है वही इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। सो रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर बेटा? अगर ये वेक्टर्स हैं वेक्टर पी और ये हमारे पास क्या वेक्टर क्यू, तब हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल। तो ये क्या होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में, देन वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। अगर दो वेक्टर्स इस डायरेक्शन में है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास क्या है वेक्टर ए और ये हमारे पास क्या है अनदर वेक्टर बी, डायरेक्शन क्या होगी सेम, क्या होगी डायरेक्शन दोनों की सेम। ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये इसको रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी वेक्टर है, ये एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, इनके मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल, देन रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कितना आया वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्या कहें हम, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका रिजल्टेंट आर, आर का मैग्नीट्यूड तो उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स के सम के इक्वल और आर की डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर्स। डायरेक्शन क्या होगी सेम, जो गिवन वेक्टर्स की है वही। ये हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब ये भी बेटा कि एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज जीरो, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है जीरो है। क्या कहें हम, थीटा बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज जीरो, दोनों के बीच में थीटा कितना है जीरो है, ये इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। क्लियर बेटा? आपको डायरेक्शन का नाम चले तो हो गया क्लियर। क्लियर नेक्स्ट वही, या एक पॉइंट और भी कह सकते थे कि टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन व्हेन हेड ऑफ वन वेक्टर इज कंसाइड विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर। जब एक का हेड दूसरे की टेल के साथ क्या करे, कंसाइड करे, हम उसमें डायरेक्ट उनके मैग्नीट्यूड का क्या कर दें सम, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर्स। सेकंड पॉइंट बेटा हमारा, व्हेन टू वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, एक इधर और एक इधर, तो दोनों बीच में थीटा कितना हो जाएगा 180। थीटा कितना हो जाए बेटा दो वेक्टर्स के बीच में 180। तब हम उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, देखो भाई ये कहता है जब भी दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ये वेक्टर ए है और ये हमारे पास क्या है वेक्टर बी, ये क्या हमारे पास वेक्टर ए और ये क्या हमारे वेक्टर बी, तो कहता है रिजल्टेंट आर, आर का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। रिजल्टेंट आर वेक्टर है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बेटा बड़े में से छोटे को घटाएंगे हम, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैंने बड़ा क्यों कहा, क्योंकि रिजल्टेंट की डायरेक्शन बड़े वाले की क्या होगी अलोंग होगी, एंड आर कैप डायरेक्शन ऑफ आर कैप, आर कैप है सेम डायरेक्शन एज डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, सेम सेम इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। जो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन होगी बिगर वेक्टर, वही हमारी क्या होगी उस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो देखो एक बार क्या रिजल्टेंट आएगा हमारा ए माइनस बी, ए प्लस बी, हम क्या क्यों आया ऐसा बताऊंगे एक बार। देखो ये कहता है ये हमारे पास वेक्टर ए है ये वेक्टर बी, तो दोनों का रिजल्टेंट ये बचा ना हमारा ए माइनस बी करेंगे तो हम, और किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट ए के डायरेक्शन में, तो ये क्या आ गया आपका वेक्टर आर। क्यों आया ऐसा देखो भाई, ये कहता अगर हमारे पास ये वेक्टर ए था, ये हमारे पास क्या है वेक्टर ए, क्लियर बेटा, और ये हमारे पास क्या है वेक्टर बी, क्या है ये हमारे पास वेक्टर बी, क्लियर है। तो ये कहता है हम क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर ए
एंड वेक्टर बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, किस में है वो, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो अगर हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी तो ये कैसे नेगेटिव, जैसे ये प्लस एक्स है तो ये कैसा है, माइनस एक्स, माइनस एक्स। तो क्या कहें हम, वेक्टर ए, वेक्टर ए को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर बी, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बी की डायरेक्शन क्या बेटा अपोजिट, बी की डायरेक्शन क्या है हमारे पास अपोजिट, तो क्या हो जाएगा ये माइनस ऑफ वेक्टर बी। अगर मैं यहाँ पे ये बी लेती, ये हमारे पास क्या होता वेक्टर बी, तो ये क्या है इसका नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी है ना, तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया इसको, ये देखो एक बार, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, तो ये वेक्टर्स के अपोजिट डायरेक्शन रखता है, क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, रिजल्टेंट है सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा ए के मैग्नीट्यूड में से बी के मैग्नीट्यूड सेपरेट करेंगे हम, करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए में से बी का मैग्नीट्यूड सेपरेट किया, कितना है आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ बिगर वेक्टर, क्लियर बेटा। तो क्या कहें हम, क्या लिखें, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर is equal to the difference of magnitude is equal to the difference of the magnitudes, difference of the magnitudes of the two vectors। बेटा एक्चुअली मैग्नीट्यूड की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, तो मैग्नीट्यूड में तो हम क्या इन कहेंगे नहीं कि इस इधर इधर, मैग्नीट्यूड क्या है उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। और डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी किसके, जो बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन है उसके।